नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और अभद्रता के 3 आरोपी 8 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। इसे देखते हुए पुलिस की 2 और टीमें तीनों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है। इस तरह से पुलिस की 7 टीमें 3 आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाई गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आईआईटी के छात्र छात्रा कमिश्नरेट की पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा से बीते 1 नवंबर की रात 1:30 बजे के लगभग बाइक सवार 3 युवकों ने छेड़खानी की थी। इसके बाद छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बना लिया था। बाद में छात्रा के बयान के आधार पर मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा यौन उत्पीड़न और सदोष अवरोध के आरोप से संबंधित धारा भी बढ़ाई गई। लंका थाने की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की, लेकिन किसी को चिन्हित नहीं किया जा सका। आरोपियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीम लगाई गई थी। सफलता न मिलने पर 2 और टीम लगाई गई। उधर इस संबंध में पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने बताया कि आरोपी अब तक चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कागजी कार्रवाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई गई। तीनों के गिरफ्तार होने पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुकदमे का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।